गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का फर्स्ट लेसन पढ़ा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा ऑडियो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता पड़ती है। विचारों के इस आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता होती है। मैं तो एक ही बनाई, एक रह एक ही बनाइए, एक ही बनाइए, मुझे तो एक ही बनानी है। सुबह से सर बना रहे थे ना। अच्छा, मेरी कल भी नहीं बनी मैडम। तो मैंने कल भी एक ही बनाई थी। मेरी कल भी नहीं, एक भी नहीं बनी मेरी। मैं एक बनाऊंगी बस, क्योंकि एक एक क्लास के तो कम से कम वीडियो बनी जाए, फिर मेरा पीरियड हो जाएगा ना उसके बाद। मैडम देखो चालू हो, चालू है ना। हाँ, मुझे एक वीडियो बनानी है मैम, आप दे देना। मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता पड़ती है। विचारों के इस आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः वह माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम मुंह से बोलकर कोई बात कहते हैं या किसी की कही हुई बात सुनते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक लोगों द्वारा आपस में बातचीत करना, टेलीफोन पर बात करना, टीवी पर गाने सुनना, शायद टीवी पर गाने सुनना इत्यादि सभी मौखिक भाषाओं के उदाहरण हैं। जब हम अपने मन की बात किसी को लिखकर समझाते हैं या कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे चिट्ठी लिखना, होमवर्क करना, समाचार पत्र और कहानियों की किताबें पढ़ना इत्यादि सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा के अंग, भाषा के मुख्यतः तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द एवं वाक्य। वर्ण, मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, औ, क, ख, ग इत्यादि। शब्द, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे फल, कमल, सर्कस इत्यादि। वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों का वह मेल जिसका निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, लड़की नाच रही है, मोहन खेलने जाएगा। लिपि, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, अमेरिकन, उर्दू आदि। भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। मुख्य भाषा हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि। संसार की किसी भाषा को लिखने के लिए
विशेष ध्वनि चिन्हों की जरूरत पड़ती है। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। संसार की कुछ भाषाएं वे उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बंगला बंगाली, पंजाबी गुरमुखी, जापानी चित्रात्मक, व्याकरण। व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना व बोलना सीखते हैं। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना व लिखना नहीं सीख सकते। अपने भाव व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। कोई भाषा जिन ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना व पढ़ना सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस लेसन को पढ़िएगा।